आज आपके लिए हम भाज्य गुणनखंड पर आधारित क्वेश्चन लाए हैं। फाउंडेशन में अवैध में बताया गया था सर, नंबर सिस्टम का भाज्य गुणनखंड पे लाए थे बाबू। ये क्वेश्चन को बारीकी से समझना है, इसमें कई तरह का क्वेश्चन आता है। क्या क्या आता है उसको समझना है। भाजक गुणनखंड में आता है पहला कि भाजक की संख्या कितने हैं, भाजक गुणनखंड की संख्या कितने हैं। फिर पूछता है बाबू कि समभाजक गुणनखंड कितने हैं, समभाजक गुणनखंड कितने हैं। फिर बोलता है बाबू क्या विषमभाजक गुणनखंड कितने हैं, विषमभाजक गुणनखंड कितने हैं। फिर आता है बाबू क्या समभाजक और विषमभाजक के बाद आता है क्या, विषमभाजक के बाद आता है गुणनफल योग, भाजक योगफल, भाजक गुणनखंड, भाजक का योगफल और गुणनफल। फिर क्या होता है लास्ट में, क्या है गुणनफल आता है बाबू। इतना टाइप होता है, इसी में सम और क्या विषम की चर्चा किया जाता है। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं, आज एक क्वेश्चन लेकर आते हैं। क्वेश्चन में क्या है बाबू, पहले है भाजक गुणनखंड को समझना है। पहले समझना क्या है बाबू कि अगर 20 जो रहेगा तो ये किस किस को का 20 किससे से माने 20 को इसको क्या काटेगा। तो एक से कट जाएगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा, पाँच से कटेगा, 10 से कटेगा बाबू, और फिर यहाँ पे 20 से कटेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो भाजक गुणनखंड की संख्या कै गो हो गया, तो 6 गो हो गया। लेकिन ये तो आसान था तब बना बाबू, अगर थोड़ा सा टफ होता तो कैसे बनता। लेकिन इसको बनाने का तरीका देखिए, पहले 20 को हम तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे तो 10 आएगा, फिर इसको तोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब ये आसान हो गया, तो 2 के पावर में 2 लिखेंगे और 5 के पावर में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 2 के पावर में 2 और 5 के पावर में 1 लिखेंगे। अब इसमें भाजक गुणनखंड की संख्या निकालना है बाबू, भाजक गुणनखंड की संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, जो पावर में दिया रहेगा, जो क्या रहेगा पावर में अंक दिया है, तो पावर में 2 दिया है तो उसमें अपने मन से 1 जोड़ेंगे, ओके। और फिर इसमें अपने मन से 1 जोड़ेंगे और दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 3 × 2 तो ये हो जाएगा 6। ऐसे भी 6 आया और ऐसे भी 6 आया, लेकिन ये आपके लिए आसान रहेगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन में बोलेगा क्या 180 के कितने भाजक गुणनखंड है। तो फिर सिंपल सा फंडा है कि 180 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो आप 2 से तोड़ेंगे तो बाबू 90, फिर 2 से तोड़ेंगे तो बाबू कितना 45, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो क्या 5। इसका मतलब सरली करेंगे तो इसका मतलब 2 के पावर में 2 आएगा, फिर 3 के पावर में 2 आएगा और 5 के पावर में 1 आएगा। 2 के पावर में 2, 3 के पावर में 2 और 5 के पावर में 1 आएगा। तो फिर करना क्या है हमें, जो पावर दिया रहेगा उसमें 1 जोड़ना है, तो 3 हो गया। फिर इसमें है तो 3 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा। नॉर्मली गुना करेंगे तो यहाँ पे हम गुना करेंगे तो 9 × 9 क्या 18 को, कितना होगा 18 को। पहले हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ तोड़ कर जो आया तो यहाँ पे गुना करके उसके बाद जो पावर लिखेंगे या सब में अपने मन से क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे या जोड़ कर जो आएगा वही। लेकिन ध्यान देना है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। इसी में पूछेगा कि समभाजक एवं क्या विषमभाजक, क्या पूछेगा समभाजक एवं क्या विषमभाजक। तो ध्यान देना है कि 180 को ऐसे ही तोड़ेंगे तो नॉर्मली अगर पूछेगा 180 को तोड़ेंगे तो अभी हमने लाया है 2 के पावर में 2, 3 के पावर में 2 और 5 के पावर में कै 1 है ना। यहाँ पे 2 और 3 36 5 180 कितना है। पर समभाजक पूछेगा तो हम ध्यान देना बाबू, समभाजक पूछेगा तो क्या करना है, जो सम अंक 2 है उसमें जो पावर दिया है उसमें अपने मन से 1 नहीं जोड़ेंगे, तो सीधे 2 लिख देंगे और बाकी में 1 जोड़ेंगे। जैसे 2 + 1 और फिर 1 + 1 तो यहाँ हो जाएगा 2 × 3 × 2 और गुना करके जो आएगा इसका आंसर आ जाएगा 12। तो विषम भाजक कितना होगा, नॉर्मली आप जान गए। तो विषम भाजक में ध्यान देना है कि सम वाले संख्या को साफ छोड़ देना है, 2 को साफ छोड़ देना है। फिर इसका जो सीधे है
सब विषम वाला, तो दो में अपने मन से एक जोड़ेंगे और फिर इसमें अपने मन से एक जोड़ेंगे, तो 3 × 2 अगुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। एक बार और अच्छा से फिर समझ लीजिए। अगर बोलेगा कि 240 में कितने समभाजक हैं, तो रूल के अनुसार हम तोड़ेंगे 120, फिर तोड़ेंगे 60 आएगा, फिर तोड़ेंगे 30 आएगा, फिर जोड़ेंगे 15 आएगा, और फिर 3 और का है 5। इसका मतलब 2 के पावर में का आया? 4। 2 के पावर में कितना लिख देंगे बाबू? 4। 2 के पावर में 4 लिख देंगे, और फिर 3 के पावर में 1 और 5 के पावर में 1। अब ध्यान देना है बाबू कि 240 का तो रूल हम ऐसे लिख दिए, अब इसको करना है कि समभाजक। क्या पूछा? समभाजक। तो समभाजक में क्या करेंगे कि 2 का जो है उसमें कुछ नहीं करना है, 4 का 4 लिखना है, और विषम वाले में 1 जोड़ना है 2 2, तो ये गुना करके कितना आएगा? 16 आएगा। कितना आएगा बाबू? 16 आएगा। और विषम भाजक में क्या आएगा? नॉर्मली समझिए कि इसमें 2 वाले को साफ छोड़ देना और इसको ले लेना है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 2 कितना आ जाएगा? 4। इसी तरह है। ठीक है बाबू, बाय बाय।